नेक्स्ट हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द फाइलर प्लैटी लैबिरिंथस। ये शॉर्ट में आपका सवाल आता है कि फाइलर प्लैटी लैबिरिंथस की पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लिखिए। सबसे पहली बात जो आपसे एमसीक्यू में यहां से पूछी जाएगी एंड दैट इज योर फ्लैट वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। हो सकता है आपको बाकायदा तौर पर कह दे कि आप जनरल फीचर्स लिखिए किसके फ्लैट वॉल से, किसके फ्लैट वॉल्स के। तो फाइलर प्लैटी लैबिरिंथस आर कॉल्ड फ्लैट वॉल्स। फाइलर प्लैटी लैबिरिंथस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉल्स कहते हैं। क्यों फ्लैट वॉल्स कहते हैं, रीजन आएगा व्हाई द प्लैटी लैबिरिंथस आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉल। इसका आंसर अभी आप यहां पढ़ाकर पढ़ेंगे नीचे कि प्लैटी लैबिरिंथस को फ्लैट वॉल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। और इसका रीजन हमने यहां पर बाकायदा लिखा है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। कैसी होती है इनकी बॉडी बेटा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अब समझे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है, तीन अल्फाज है यहाँ, डॉर्सो वेंट्रल में दो अल्फाज है डॉर्सो और वेंट्रल, और फ्लैटेड एक तीसरा अल्फाज है। तो हमारी बॉडी जो होती है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसकी दो साइड होती है, जिसको आप सामने की तरफ उर्दू में कहें तो सीने का हिस्सा पीछे पीठ वाला हिस्सा। तो एक साइड है डॉर्सल साइड और एक साइड है उसकी वेंट्रल साइड। हमारा जो हाथ है इसको हम कह सकते हैं इट इज अ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। जैसे लेट सपोज ये इसकी डॉर्सल साइड है, ये फ्लैटेड साइड है, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है। किसका, फाइलम प्लैटी लैबिरिंथस का। ये उसकी बॉडी है, ये उसकी फॉर एग्जांपल डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है, ये दोनों फ्लैटेड होंगे। मतलब सामने से देखो डॉर्सल साइड ये भी चपटी नजर आएगी, फ्लैटेड साइड ये भी चपटी नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये राउंड है और ये चपटा है, तो उसको हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा मुख्तलिफ एनिमल्स इस तरीके से, जिनकी सामने का हिस्सा चपटा होता है लेकिन पीछे का हिस्सा गोल होता है, तो वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड नहीं है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड का मतलब क्या है, डॉर्सल साइड पे चपटी होगी, फ्लैटेड पीछे वेंट्रल साइड भी क्या होगी, चपटी होगी। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है। तो इनको रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई द प्लैटी लैबिरिंथस आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉल्स, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ऑल द प्लैटी लैबिरिंथस हैव द डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी। अच्छा, जब स्टडीज मजीद की गई तो ये पता चला कि भाई 90% तो सारे के सारे फाइलम प्लैटी लैबिरिंथस क्या है, आपके पास डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी ओवरऑल डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनकी बॉडी का फ्लैटेड एरिया है। उनका जो एब्डोमिनल रीजन है, कौन सा रीजन, उनका एब्डोमिनल रीजन, मतलब हर ऑर्गेनिज्म चाहे वो फ्लैटी लैबिरिंथस का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड आपको मिलेगी कौन से साइड पर, एब्डोमिनल साइड पर। मतलब उनका एब्डोमिनल एरिया है वो लाजमी तौर पर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होगा, अगर पूरी बॉडी फ्लैटेड नहीं है तो भी। अब आ जाए मोस्टली पैरासाइट्स। अच्छा, एक और एक एमसीक्यू जो यहाँ से आपसे पूछा जाता है वो ये कि प्लैटी लैबिरिंथस क्या है, प्लैटी लैबिरिंथस ऑटोट्रॉफ्स है या हेटरोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ का मतलब अपनी विजा बनाने वाला, हेटरोट्रॉफ का मतलब दूसरों से विजा हासिल करने वाला। तो ये कौन है, हेटरोट्रॉफ। अब हेटरोट्रॉफ की मुख्तलिफ टाइप्स होती है, सही है, हेटरोट्रॉफ की क्या होती है बेटा, मुख्तलिफ टाइप्स होती है। कोई क्या करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उनसे विजा हासिल करता है, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी विजा हासिल करता है। तो ये जितने भी आपके पास फाइलम प्लैटी लैबिरिंथस के एनिमल है ये सारे क्या है बेटा, पैरासाइट है, सही है। कौन है ये, पैरासाइट, सारे के सारे। अब पैरासाइट का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करे, गिजा हासिल करे, दूसरा ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, गिजा हासिल करता है, और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको क्या होगा, हार्म होगा, नुकसान पहुंचेगा, किससे, प्लैटी लैबिरिंथस के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये ऑल आर द पैरासाइट, बट फ्यू आर द फ्री लिविंग एंड फ्यू एग्जिस्टिंग वन। फ्यू का मतलब बहुत ही थोड़े से, सही है, बहुत ही थोड़े से। तो ये ज्यादातर कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा, पैरासाइट है कुछ। अच्छा, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब ये होता है कि भाई ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच रहने वाला, सही है, और जो ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच नहीं रहेगा वो मूव कर सकता है। तो हैबिटेट का मतलब रहते कहां पर, इनका होस्ट जहां भी रहे। अगर किसी पैरासाइट का या किसी भी फ्लैट वॉर्म का पैरासाइट पानी में रहता है तो ये उसके साथ पानी में रहता है। अगर ऑर्गेनिज्म खुश्की पर रहता है तो ये उस ऑर्गेनिज्म के साथ अपने होस्ट के साथ चिपका हुआ खुश्की पर रहना शुरू कर देगा। तो इसका हैबिटेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, किसका होस्ट कौन। होस्ट पानी में रहने वाला होगा तो ये उसके ऊपर चिपका रहेगा पानी, ठीक है।
अब आ जाए जेंडर फीचर्स पर। आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपका बनता है उसमें आपको कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जेंडर फीचर्स देखिए फाइल ऑफ क्लैरिटी एल्गोरिथम में से, ठीक है। तो जेंडर फीचर्स में आप क्या लिखेंगे, मोस्टली दे आर द पैरासाइट, सही है, एंड हैव बीन डेवलप्ड द पैरासिटिक मोड। अलग से बाकायदा सवाल आता है, या तो कहते हैं जनरल फीचर्स लिखो, या तो फिर आपको कहते हैं कि आप इसके पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के हवाले से एक्सप्लेनेशन दें, मतलब ये जो पैरासाइट है ये अच्छा पैरासाइट क्यों है, इस पे एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहली बात आती है दैट इज द बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग की अगर बात की जाए तो बॉडी कवरिंग क्या होती है, अगर एक सॉफ्ट सा आपके हाथ में जेली का एक स्ट्रक्चर दिया जाए, आप उसको हाथ से दबा देंगे तो रप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर मैं हार्ड लोहे की पूरी कवरिंग कर दूं और उसके अंदर एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर डाल दूं, आप उसको मारते रहे कुछ भी करते रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी सॉफ्ट बॉडी एनिमल के ऊपर जब हार्ड कवरिंग आ जाती है तो वो एक तरह से क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है, प्रोटेक्शन। आपने कॉकरोचेस को देखा होगा, कॉकरोचेस इसमें नहीं आते, डर्टी एनिमल्स में नहीं आते, मैं सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि आमतौर पर आप डेली लाइफ में देखते हैं, आप जब उसको मारते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एक बार अगर हल्का सा मारो तो वो नहीं मरता। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट सा कोई कीड़ा है, बहुत ही नर्म सा, आप जरा सा उसको दबा दे वो मर जाता है, ऐसे ही है। क्यों, उसकी बॉडी सॉफ्ट है जबकि उसकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद है, हार्ड कवरिंग। तो हार्ड कवरिंग उसको क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। एक ना बार देख, अच्छा जी, सो इट हैज अ थिक बॉडी कवरिंग दैट हेल्प्स इन डिफेंस पर्पस। ये आपसे इंपॉर्टेंस पूछते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ड कवरिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ ग्लैडियल एनिमल्स। हार्ड कवरिंग का क्या फायदा है, हार्ड कवरिंग हेल्प करती है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको मारने की कोशिश करता है, सही है, तो वो फौरी तौर पर इसको मार नहीं सकता है, एक बार मारेगा इसको नहीं फील होगा, वो वहां से भाग जाएगा फौरी तौर, ठीक है। तो ये फायदा बॉडी कवरिंग का। लोकोमोटरी ऑर्गन, सही है, लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब, लोकोमोटरी का वर्ड निकला है लोकोमोशन से, और लोकोमोशन का मतलब होता है मूव। तो लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गन जो कि इसको किसमें हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ा कि ये तकरीबन क्या होते हैं, अपने होस्ट के साथ अटैच रहते हैं, जहां जहां होस्ट जाता है उसके ऊपर खुद ये चलते चले जाते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर आपको डायरेक्टली मैं लोकोमोटरी ऑर्गन लिखते साथ एब्सेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स, मतलब इसकी बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। अब इसका क्या फायदा है, इसका माउथ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हुक होता है, सकर मौजूद है और स्पाइंस मौजूद है इसकी बॉडी में। क्या मौजूद है इसकी बॉडी में, हुक, सकर्स और स्पाइंस। अब हुक, सकर्स और स्पाइन को आप समझ सकते हो कि आपको हुक के हवाले से तो आइडिया है कि हुक का क्या काम होता है, किसी भी जगह पर जाकर के लॉक हो जाना, सही है। तो हुक और सकर का क्या काम है, ये लॉक होने में, मतलब इसकी बॉडी को अपने होस्ट के साथ अटैच होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, इसकी बॉडी में क्या मौजूद होता है, हुक से सकर होते हैं जिसके जरिए से ये अपनी होस्ट बॉडी के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। अब है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब वो कैनाल जहां पर डाइजेशन होती है, ठीक है। तो यूजुअली रिड्यूस्ड, क्यों रिड्यूस्ड है, आपसे यहां से एमसीक्यू आता है और रीजन भी आता है, स्पेशली ज्यादातर रीजन आता है यहां से, ठीक है। आपने देखा कि आप लोगों को क्वेश्चन आया दिया गया, उसमें आपने देखा कि इधर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके निकलेंगे, ज्यादातर रीजन आते हैं यहां से, सही है। अच्छा, सवाल क्या है, व्हाई द एलिमेंट्री कैनाल इज रिड्यूस्ड इन द ग्लैडियल एल्विस, क्यों एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस्ड है ग्लैडियल एल्विस में। तो लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर कि इट इज यूजुअली रिड्यूस्ड है एलिमेंट्री कैनाल इनकी बॉडी में, क्यों रिड्यूस्ड। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के साथ अटैच होता है तो होस्ट की बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट उसके सेल्स में मौजूद होता है, मतलब उसकी बॉडी का प्रॉपर्ली डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड प्रोडक्ट उसके सेल्स में मौजूद है। ये क्या करेगा, ऑलरेडी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट अपने होस्ट से हासिल करेगा, तो इसको डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल होती है, वो ट्यूब होती है जहां डाइजेशन होनी है, जब इनको ऑलरेडी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट मिलेगा बना बनाया तो इनको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इनकी बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल या तो रिड्यूस होता है या तो होता ही नहीं, सही है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन कैसी है, न्यूरोसिक्रेटरी ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डेवलप इसकी बॉडी में नहीं है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इसकी बॉडी में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट न्यूरोसिक्रेटरी ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड ड्यू टू देयर पैसिव मोड ऑफ लाइफ। अब आते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड,
अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर आकर कैसे नहीं किया, तभी लिफ्टों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा तेज है। रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा तेज होने का क्या मतलब है, ये ऑर्गेनिज्म तेजी से अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करवा सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर द हाई रेट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो ये शॉर्ट का आपका पार्ट है फाइलम ग्लैंडियर न्यूक्लियस। कभी कभार आपके अगर नसीब में हुआ तो ये लॉन्ग के अंदर दो तीन फाइलम मिला के पूछ लेते हैं, सही है, ठीक है भाई। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा फाइलम है आपके पास, फाइलम ग्लैंडियर न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट है फाइलम ह्यूमन न्यूक्लियस।